Hi everyone! I am Karan Masru. Welcome to this video. Today's video, we will discuss Codeforces Round 842, Division 2 problem C, that is Elemental Decompress. Also, before moving on, I would like to tell you about the upcoming coding contest by Newton School, that is CodeRus X, Just make it ten lakhs prizes. More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers, and there are also placement opportunities with top tech companies. So make sure to register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. एज ऑलवेज लेट स्टार्ट बायरस्टेंडिंग द क्वेश्चन यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ एन इंटीजर्स ठीक है क्या बोला गया है कि हमें एक एरे ए दिया गया है जिसमें कि एन इंटीजर्स है इसकी लेंथ एन है फाइंड टू परम्यूटेशन पी एंड क्यू ऑफ लेंथ एन सच दैट मैक्स ऑफ पी आई क्यू आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई फॉर ऑल आई बिटवीन वन टू एन और रिपोर्ट दैट नो सच पी एन क्यू और रिपोर्ट दैट सच पी एंड क्यू डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है क्या बोला गया है हमें दो परम्यूटेशन फाइंड करने हैं ऑफ लेंथ एन पी एंड क्यू सच that फॉर ऑल आई फ्रॉम वन टू एन मैक्स ऑफ अरेंजमेंट exactly कुछ भी हो सकता है तो हमें इस तरह के दो एरे फाइंड करने है पी और क्यू ऑफ लेंथ एंड मतलब उनमें वन से लेकर एन तक सभी इंटीजर्स एग्जैक्टली exactly एक बार आएंगे और इस तरह से उनका परम्यूटेशन होना चाहिए कि हर एक इंटीजर आई फ्रॉम वन टू एन के लिए मैक्स ऑफ पी आई एंड क्यू आई शुड बी इक्वल टू ए ऑफ आई और ए हमें एरे में दिया गया है ठीक है तो अगर पॉसिबल है तो ऐसा आउटपुट जनरेट करना है अगर मल्टीपल पॉसिबल है तो कोई भी एक आंसर बताना है अगर नहीं पॉसिबल है तो वो रिपोर्ट करना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर द गिवन एरे ए ठीक है ना फिर नीचे डेफिनेशन दी गई है पॉम्बिटेशन ऑफ लेड की जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी इनपुट किस तरह से दिया गया है इनपुट में सबसे पहले लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसिस सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में एन दट इज देंथ ऑफ दर ए एंड नेक्स्ट लाइन में एरे ए के एन एन इंटीजर्स दिए गए हैं आउटपुट में अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें नो प्रिंट करना है अगर पॉसिबल है तो पहले यस yes प्रिंट करना है फिर परम्यूटेशन पी प्रिंट करना है एंड फिर परम्यूटेशन क्यू प्रिंट करना है सच दैट मैक्स ऑफ पी आई क्यू आई इक्वल्स टू एफ आई फॉर ऑल आई बिटवीन वन टू एन आई होप क्वेश्चन क्लियर है अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं सो so, अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें <coughs> तो देखो हमें क्या दिया गया है हमें एक एरे ए दिया गया है इनपुट में जिसकी लेंथ एन है ठीक है ना एरे के सभी एलिमेंट वन से लेके एन के बीच में है ये भी हमें बोला गया है ए ऑफ आई बिटवीन वन टू एन ओके अब हमें दो परमिटेशन ऑफ लेंथ एन जनरेट करने हैं पी एंड क्यू सच दैट मैक्स ऑफ पी आई कॉमा क्यू आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई फॉर ऑल आई इक्वल्स टू वन टू एन सभी इंडेक्स के लिए मैक्स ऑफ पी आई एंड क्यू आई शुड बी ए ऑफ आई और ए ऑ ऑफ आई हमें दिया गया है ठीक है तो अब हमें P और जनरेट करने हैं। इसको जरा रिवर्स ऑर्डर में ले जाते हैं कैसे जनरेट हुआ होगा हमारे पास दो परम्यूटेशन होंगे P और क्यू एंड सभी इंडेक्स फॉर आई इक्वल टू वन टू एन हमने क्या किया होगा ए ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ पी आई क्यू है ठीक है ना और तभी जाके हमें क्या मिला होगा आ, यहां पे ये मिला होगा ए ऑफ आई तो यहाँ पे दो पॉम्पिटिशन में जब हमने ये ऑपरेशन लगाया होगा ए ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ पी आई क्यू आई तब हमें ये ए मिला होगा ठीक है ना तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये है सबसे पहला कंसेन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो कि A of आई में कोई भी वैल्यू दो बार से ज्यादा नहीं आ सकती क्यों क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू फाइव है ठीक है ना तो ए ऑफ आई में मान लो ए ऑफ आई जो है मतलब एरे ए जो है वो है थ्री टू फाइव फाइव एंड फोर ठीक है ना तो ये फाइव कैसे आया होगा ये मान लो पी ए है ये क्यू एरे है ठीक है तो ये फाइव कैसे आया होगा यहाँ पे फाइव होगा यहाँ पे कोई और एलिमेंट होगा ये फाइव कैसे आया होगा यहाँ पे फाइव होगा एंड यहाँ पे कोई और एलिमेंट होगा जस्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना ये सब कंडीशन में अभी फिल नहीं कर रहा अब मान लो थर्ड फाइव है भाई ये थर्ड फाइव कैसे आएगा

तो इसमें फाइव एक बार आया होगा इसमें फाइव एक बार आया होगा अगर वो दोनों सेम पोजीशन पे होते तो तो एक ही बार फाइव आता बट मैक्सिमम वो दो बार आएगा अगर दोनों अलग अलग पोजीशन पे है एंड उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो फाइव से छोटा है देन मैक्स ऑफ पी आई क्यू आई इक्वल टू फाइव एक बार पी की वजह से हुआ होगा एक बार क्यू की वजह से हुआ होगा तो पहली चीज जो नोट करने वाली है कि किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दो से ज्यादा नहीं हो सकती या तो सिंगल होगी या जीरो होगी या दो दो होगी ठीक है इन एरे ए ठीक है ओके सेकेंड थिंग अगर एरे ए में किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दो बार है तो रिस्पेक्टिवली कोई एलिमेंट कम होगा बिकॉज अस अज्यूम एरे ए जो है वो उसकी लेंथ एन है अस अज्यूम उसमें वन से लेकर एन तक सभी एलिमेंट एक्जेक्टली एक बार आ रहे हैं ठीक है अब हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दो बार आ सकती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एन ही है तो जब किसी एलिमेंट की अगर इनिशियली मान लो सभी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वन है वन से लेकर एन की अब कोई एलिमेंट मान लो दो बार आ रहा है बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रहे ओनली तो कोई ना कोई एलिमेंट नहीं भी प्रेजेंट होगा ऑब्वियस बात है जैसे यहां पे मान लो फाइव दो बार है तो ऑब्वियसली वन नहीं है ठीक है ना तो ये भी कंडीशन क्लियर है अब हमें क्योंकि पहले हम ये सोच रहे हैं कि ये कब पॉसिबल होगा कब नहीं होगा धन हम पी और क्यू को भी जनरेट कर लेंगे ठीक है ना क्योंकि आउटपुट में हमें अगर पॉसिबल नहीं है तो नो no प्रिंट करना है अगर पॉसिबल है तो यस yes प्रिंट करना है फिर एरे पी प्रिंट करना है फिर एरे क्यू प्रिंट करना है ठीक है तो ये पहली कंडीशन क्या थी कि, कि किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दो से ज्यादा नहीं हो सकती फिर कुछ एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी दो होगी तो रिस्पेक्टिवली कुछ एलिमेंट्स उसमें होंगे ही नहीं एरे ए में ओके okay. नाउ जब कुछ एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी टू एक टू से टू है और कुछ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसमें भी क्या कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी जितने भी एलिमेंट्स दो बार आ रहे हैं उनके सामने जो भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वो हमें वाइज उनसे छोटे मिलने चाहिए तभी ये पॉसिबल है वापस मैं रिपीट करता हूं मान लो यहां पे फाइव दो बार है सॉरी फोर दो बार है ठीक है ना अब यहां पे मुझे एरे पी और क्यू चाहिए ठीक है सच ए इज थ्री फोर फाइव वन फोर ठीक है ओके okay. तो यहां पे फोर दो बार है तो मैंने क्या बोला कि उससे छोटा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए क्यू क्योंकि ये फोर कैसे जनरेट हुआ होगा जब पी आई फोर होगा ये फोर कैसे जनरेट हुआ होगा जब क्यू आई फोर होगा क्योंकि एक एरे में तो एक ही बार फोर हो सकता है यहां पे फोर कब आया होगा जब मैक्स ऑफ पी आई एंड क्यू आई इक्वल टू फोर मतलब कि यहां पे उससे छोटा एलिमेंट होगा यहां पे भी मैक्स ऑफ पी आई क्यू आई फोर कब आया होगा जब यहां पे उससे छोटा एलिमेंट होगा ठीक है ना तो बिकॉज अब यहां पे मान लो टू है ठीक है ना तो अब टू और कहीं नहीं आएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर टू टू फोर हो ऐसा भी हो सकता है अब देखो ये वन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो वन और वन ही आना चाहिए वरना ये वन हो ही नहीं सकता बिकॉज मैक्स ऑफ पी आई एन क्यू आई शुड बी इक्वल टू ए ओ फाई ठीक है और क्या हो सकता है यहाँ पे टू हो सकता है यहाँ पे थ्री हो सकता है यहाँ पे थ्री हो सकता है यहाँ पे फाइव हो सकता है यहाँ पे फाइव हो सकता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है इन दोनों का मैक्स क्या है थ्री यहाँ पे मैक्स फोर यहाँ पे मैक्स फाइव यहाँ पे मैक्स वन यहाँ पे मैक्स फोर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है वैलिड है क्यों वैलिड हुआ क्योंकि फोर दो बार आ रहा है और इसमें से गायब क्या है टू गायब है इसीलिए हमें फोर से छोटा एलिमेंट यहाँ पे दोनों बार मिल गया है पैर करने के लिए क्योंकि हमें उससे छोटा एलिमेंट चाहिए ना पैर करने के लिए तभी फोर यहाँ पे मैक्स वैल्यू आएगी नाउ लेट अस सपोज कि फाइव नहीं है एरे में ठीक है अब फाइव को आप कहीं पे भी डालोगे एरे में वो मैक्स एलिमेंट के फॉर्म में आ ही जाएगा है ना फाइव भी छोड़ो बिकॉज वो तो सबसे लार्ज एलिमेंट है वो तो आना ही आना है मैं आपको कहता हूं कि थ्री दो बार आ रहा है एक फाइव है और फोर नहीं है ठीक है ना अब इसको ऑब्जर्व करो क्योंकि फाइव तो मैक्स एलिमेंट है वो तो आना ही आना है इसमें आपको बेटर समझ में आएगा मैंने क्या बोला था अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो रिस्पेक्टिवली उससे छोटा एलिमेंट भी होना चाहिए तो अब जैसे ये फाइव है तो यहाँ पे तो फाइव और फाइव दोनों फाइव ही होंगे क्योंकि मान लो अगर एक फाइव यहाँ पे है एक फाइव यहाँ पे है तो ये मैक्स वैल्यू भी फाइव हो जाएगी अगर एक ही फाइव है इसका मतलब दोनों फाइव यहीं पे होंगे सिमिलरली दोनों वन यहीं पे होंगे ठीक है ओके अब यहाँ पे थ्री है तो ये थ्री हो सकता है एंड ये टू हो सकता है पॉसिबल है ठीक है अब यहाँ पे भी थ्री होगा अब यहाँ पे इससे छोटा एलिमेंट चाहिए छोटा एलिमेंट क्या है लेटेस्ट एक टू और फोर दो ही बचे तो मैं टू ले लेता हूं ठीक है अब फोर को मैं कहा डालूंगा फोर को यहां पे डालूंगा तो ये टू नहीं आएगा यहां पे अगर मुझे टू चाहिए ठीक है तो टू और यहां पे मैं कुछ भी ले लूँ थ्री फोर नहीं हो सकता पॉसिबल यहां पे मुझे वन ही चाहिए अगर यहां पे मैं वन ले लेता हूं तो यहां पे मुझे फोर चाहिए तो यहां पे वैलिड नहीं होगा कहने का मतलब क्या है कि यह पॉसिबल ही नहीं होगा क्यों क्योंकि अगर थ्री मुझे दो टाइम चाहिए इसका मतलब max of I I equal to 3, दो बार सेटिस्फाई होना चाहिए इसका मतलब एरे ए में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो उससे छोटा है ताकि वो यहां पे उसके साथ पैरअप कर सके जैसे कि अब यहां पे वन की जगह में फोर कर देता हूं ठीक है ना तो ये फोर वन फोर ये फाइव 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 ये टू वन टू ठीक है ना अब यहां पे यहां पे फोर बाकी है ऊपर वाले में तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं लेटेस्ट से यहां पे भी फोर है ये भी फाइव है ठीक है अब यहां पे टू वन अब यहां पे यहां पे वन ले लो एंड यहां पे टू ले लो अब देखो इन दोनों का मैक्स यहां पे थ्री इन दोनों का मैक्स थ्री इन दोनों का मैक्स टू इन दोनों का मैक्स फाइव इन दोनों का मैक्स फोर ये भी पॉम्यूटेशन है ये भी पॉम्यूटेशन है क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ बिकॉज अगर थ्री रिपीट हो रहा है तो उससे छोटा एलिमेंट वन जो है वो एरे ए में प्रेजेंट नहीं है ताकि वो इसके साथ पैरअप करने में यूजफुल हो सके तो दो कंसेप्ट हमने देखे पहले तो किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दूसरी अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उससे छोटा एलिमेंट एरे ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ताकि वो यहां पर पैरअप कर सके ठीक है ओके अब यहां पे तो हमने एक ही पेर देखी लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एन की वैल्यू टू इन की पावर फाइव है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि थाउजेंड एलिमेंट ऐसे है जो दो दो बार आ रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली मेरे पास थाउजेंड एलिमेंट एरे ए में ऐसे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए जो कि उन थाउजेंड एलिमेंट से छोटे हैं ठीक है थीके? तो हम पैरअप कैसे करवाएंगे बिकॉज यहां पे कोई भी पॉसिबल पॉम्पिटिशन हमें प्रिंट करना है ठीक है तो उसमें हम पैरप मैचिंग कैसे करवाएंगे जैसे कि अब यहां पे वो केस हम आगे नहीं देख रहे कि दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है अब यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि सभी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दो है वन है या जीरो है तो बाद में क्या चेकिंग करनी पड़ेगी ये देख रहे हैं ठीक है थीके? ओके लेटस से एन की वैल्यू है टेन सो लेटेस्ट टेन दो बार आ रहा है नाइन दो बार आ रहा है एट दो बार आ रहा है कितने छ एलिमेंट्स हो गए फाइव है वन 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 टेक टू कितने एलिमेंट हुए तीन तीन छ तीन नौ ठीक है ना और फोर है तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वन टू थ्री प्रेजेंट नहीं है फोर प्रेजेंट है फाइव प्रेजेंट है सिक्स प्रेजेंट नहीं है सेवन प्रेजेंट नहीं है तीन एलिमेंट दो बार आ रहे हैं तो तीन एलिमेंट्स नहीं है ठीक है ना नाउ लेट मी टेक वन चेंज लेट मी टेक सेवन एंड सेवन ईयर सो थ्री प्रेजेंट नहीं है सिक्स प्रेजेंट नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ठीक है ना और फोर प्रेजेंट नहीं है if, आई एम राइट राइट क्योंकि ये तीनों रिपीट हो रहे हैं अभी सेवन सेवन से बेटर ऑप्शन क्या है सॉरी यहां पे मैं दो बार फोर ले लेता हूं ठीक है ना तो थ्री सिक्स और सेवन एरे में प्रेजेंट नहीं है इसकी जगह दो टेन है दो नाइन है दो फोर है एट फाइव टू और वन एक बार आ रहे हैं ठीक है थीके? ओके अब मैंने क्या बोला कि तीन एलिमेंट्स डबल है तो तीन एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें रिस्पेक्टिवली सभी के लिए क्या चाहिए कि उनसे छोटा एलिमेंट उनके साथ पैरअप करने में यूज हो जाए ठीक है मतलब कि यहां पे मान लो पी में टेन है यहां पे क्यू में टेन है ये एरे ए है ये एरे पी है एंड ये एरे क्यू है ठीक है यहां पे नाइन है यहां पे नाइन है यहां पे फोर है यहां पे फोर है अब एक बात समझो अब फोर से छोटा एलिमेंट मुझे चाहिए इसके साथ पैरअप करवाने में नाइन से छोटा एलिमेंट यहां पर चाहिए और टेन से छोटा एलिमेंट दो यहां पर चाहिए ठीक है अब अगर मैं थ्री को टेन के साथ पैरअप करने के लिए यूज कर लू ठीक है ना थ्री को यहां पे रख दिया और सिक्स को यहां पे रख दिया ठीक है अब बाकी चीजें भी फिल करनी पड़ेगी ऑब्वियसली वो तो हो ही जाएगी ठीक है जैसे यहां पे वन है तो यहां पे वन वन करके ऐसे सब फिल हो जाएगा वो पॉइंट नहीं है यहां पे कहने का पॉइंट इज हालांकि कैसे फिल करना है एफिशिएंटली ये भी मैं बताऊंगा क्योंकि रैंडमली तो फिल नहीं कर सकते लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कब पॉसिबल होगा कब नहीं होगा और क्या हमें ध्यान में रखना है ठीक है क्योंकि हमें कोड भी करना है तो कोई पर्टिकुलर फैशन में फिल करना होगा तो ए, ए, एरे A में प्रे एरेगा लेटेस्ट पे सिक्स ले है तो यहां पे सिक्स ले लूंगा अब मेरे पास थ्री और सिक्स तो चले गए अब सेवन है तो अब सेवन देखो थ्री और सिक्स एरे ए में नहीं आएंगे क्योंकि टेन के साथ मैंने पैरअप करवा दिया यहां पे नाइन के साथ लेकिन यहां पे मैं सेवन नहीं ले सकता फिर यहां पे सेवन आ जाएगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आंसर पॉसिबल नहीं है सेवन को अगर मैं यहां पे ले लू सिक्स को अगर मैं यहां पे ले लू और थ्री को अगर मैं यहां पे ले लू तो मेरा काम हो जाएगा ठीक है ना तो प्रॉपर फैशन क्या होना चाहिए फिल करने का जितनी भी पेयर्स दो बार आ रही है उनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उनको जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है उसके सबसे बड़े एलिमेंट के साथ पैरअप करवा दो अगर यह होगा दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी अगर इसमें भी नहीं हो पाएगा तो किसी में नहीं हो पाएगा फॉर एग्जाम्पल यहां पे टेन नाइन और फोर है सबसे बड़ा एलिमेंट टेन है यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट सेवन है तो इसके साथ पैरअप करवा दो फिर सिक्स को नाइन के साथ पैरअप करवा दो एंड थ्री को फोर के साथ पैरअप करवा दो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे और इसको हम कोड भी कर सकते हैं जो डबल जो दो दो बार आ रहा है उनकी हम वैल्यू कहीं स्टोर कर देंगे जो नहीं प्रेजेंट है उनकी वैल्यू स्टोर कर देंगे दोनों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देंगे और फिर पैरअप करवा देंगे अब अगर ये फैशन में पॉसिबल नहीं होता तो किसी में पॉसिबल नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे कि यहां पे फाइव दो बार आ गया ठीक है ना यहां पे नाइन है तो अब कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वन टू थ्री प्रेजेंट नहीं है सिक्स प्रेजेंट नहीं है सेवन प्रेजेंट नहीं है ठीक है ना तो मैंने क्या किया सेवन को टेन के साथ पैरअप करवा दिया फिर फाइव है फिर फोर है तो सेवन और टेन को पैरअप करवा दिया अब सिक्स को फाइव के साथ पैरअप करवाना होगा मतलब कि यहां पे फाइव होगा यहां पे फाइव होगा तो यहां पे सिक्स यहां पे सिक्स अब ये पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे सिक्स आ जाएगा ए में यहां पे भी सिक्स आ जाएगा To I'm टेन के साथ तो सेवन रखो सिक्स रखो या थ्री रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमने क्या डिसाइड किया कि मैक् इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो और मैक्स के साथ मैक्स को रखो तो टेन के साथ सेवन को रखा फाइव के साथ सेकंड मैक्स सिक्स है जो कि प्रेजेंट नहीं है एरे में उसको रखा लेकिन अगर सिक्स यहां पे नहीं आ सकता तो यहां पे ऑब्वियसली नहीं आएगा और अगर मैं सिक्स को यहां पे ले लू तो सेवन तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे बिकॉज दैट इज इवन ग्रेटर देन सिक्स ठीक है तो ये भी कंडीशन समझ में आ गई हमें क्या करना है जो भी एलिमेंट्स दो बार आ रहे हैं उनका कहीं स्टोर करना

या तो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी वन है एरे ए में या तो दो है या तो जीरो है मतलब प्रेजेंट नहीं है ठीक है ना तो अब मैं आपको इस एरे ए के लिए फिल करके दिखाता हूं क्योंकि इसमें पॉसिबल है अब फिल करते करते बीच में कहीं फेल हो गया तो फेल कर देंगे यहां पे क्या था नाइन नाइन एंड फाइव ठीक है ना अब देखो यहां पे टेन हम स्टार्टिंग से फिल करेंगे अब यहां पे टेन जो है वो दो बार आ रहा है तो टेन के साथ सेवन को पैर करना है तो ये काम हो गया एरे ए में सेवन नहीं आएगा टेन दो बार आ गया ठीक है दोनों काम हो गए सिक्स को नाइन के साथ पैरअप करवाना है सिक्स और नाइन का भी काम हो गया थ्री को फोर के साथ पैरअप करवाना है इनका भी काम हो गया अब जो बचे हैं वो सेम टू सेम ले लो वन वन टू टू फाइव फाइव एट एट काम हो गया ये वन टू फाइव और एट एक बार आ रहा है तो वन वन टू टू फाइव फाइव एट एट ले लो और जो दो बार आ रहे हैं उनको दोनों जो दो बार प्रेजेंट है और जो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है उन दोनों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो और इस तरह से पैरअप करते जाओ अगर कहीं बीच में गलती होती है तो कोई फ्लैग वेरिएबल रखो उसको एक्टिव कर दो और नो प्रिंट कर दो और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी दो से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नो प्रिंट कर दो ठीक है सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे सो तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया सबसे पहले ये चेक करेंगे किसी की भी फ्रीक्वेंसी दो से ज़्यादा बार है तो नो प्रिंट कर देंगे उसके बाद जो भी एलिमेंट्स एग्जैक्टली exactly एक बार आ रहे हैं एरे ए में उनको सेम रखेंगे जैसे कि एरे ए में एट एक बार आ रहा है तो वो पी और क्यू दोनों में एट ही रहेगा जो एलिमेंट्स दो बार आ रहे हैं उनको किसी तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे और जो आ, बिल्कुल नहीं आ रहे उनको किसी तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे और पेयर कर देंगे ठीक है ना जो कि हमने कंसेप्ट में काफ़ी डिटेल में देखा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक काम करता हूँ एक काउंटिंग एरे ले लेता हूँ एन प्लस वन साइज का जो कि इनिशियली जीरो होगा ये फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा फिर मेरे पास एरे ए दिया गया है इनपुट में मैं परम्यूटेशन पी और क्यू को प्रिंट करने के लिए दो ले लेता ले हूँ एक फ्लैग वेरिएबल लेता हूँ जिसको इनिशियली जीरो सेट करता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं वन कर दूंगा ठीक है तो सबसे पहले तो फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस ठीक है ना काउंटिंग ऑफ ए ऑफ आई प्लस प्लस इनकी फ्रीक्वेंसीज इफ काउंटिंग ऑफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन इफ काउंटिंग ऑफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन सॉरी इज ग्रेटर देन टू अगर दो से ज़्यादा हो गई तो तुरंत ही फ्लैग वेरिएबल को वन कर दो और ब्रेक कर दो ठीक है ना अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू वन हो गई तो नो no प्रिंट कर दो और नेक्स्ट टेस्ट केस में कंटिन्यू कर दो ठीक है ना अगर ऐसा नहीं है तो अब हमें परमिटेशन पी और क्यू फिल करने है लेकिन जिनकी काउंटिंग दो बार आएगी उनके साथ पैरअप करना है सबसे बड़े एलिमेंट के साथ सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि प्रेजेंट नहीं है उसको पैरअप करना है फिर सेकंड फिर थर्ड इस तरह से तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है वो भी मुझे कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ठीक है तो मैं क्या करता हूं मैं एक क्यू लेता हूं प्रायोरिटी क्यू मतलब कि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे टॉप पे होगा प्रायोरिटी क्यू है ना ऑफ लॉन्ग लॉन्ग लेट मी क्यू वन परमिटेशन क्यू तो यहां पे है ना फॉर आई इक्वल्स टू वन आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस इफ काउंटिंग ऑफ आई इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो मतलब कि यह है ही नहीं तो क्यू वन डॉट

जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी टू होगी उसको हम क्योंकि एन से लेके वन की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी टू होगी उसको इसके टॉप एलिमेंट के साथ पैरअप कर देंगे ताकि सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे बड़े एलिमेंट के साथ पैरअप करेंगे फिर उससे छोटे को उससे छोटे के साथ एंड सो ऑन सो ये कैसे हम कर सकते हैं फॉर i इक्वल्स टू वन आई इज लेस देन और सॉरी आई इज इक्वल्स टू एन आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आई माइनस माइनस और एक मैं एरे ले ले लेता हूं कौन सा पैर ऑफ एन प्लस वन का मतलब कि अगर किसी की फ्रिक्वेंसी टू है तो उसको किसके साथ पैर करना है ठीक है ओके सो आई इक्वल्स टू एन आई इज ग्रेटर टू वन आई माइनस माइनस इफ काउंटिंग ऑफ आई इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन देन पेर ऑफ आई इक्वल्स टू आई मतलब कि P और Q में जो पैर होगी I की वो I ही होगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वन है एल्स इफ काउंटिंग ऑफ I इक्वल्स टू इक्वल्स टू टू अगर उसकी काउंटिंग टू है तो क्या करना है इसको Q के टॉप एलिमेंट के साथ पैरअप करना है क्योंकि हम लार्जेस्ट एलिमेंट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं सो इफ Q डॉट टॉप इस लेस देन आई तभी पैर अप कर सकते हैं ना देन पेर ऑफ आई इक्वल्स टू क्यू डॉट टॉप एज वेल एज पैर ऑफ क्यू डॉट टॉप इक्वल्स टू आई एंड क्यू डॉट पॉप मतलब कि अब इस एलिमेंट को निकाल दो ठीक है ना अगर ये कम है तो अगर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो मतलब कि फ्लैग वेरिएबल को बढ़ा दो और ब्रेक कर दो क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है ठीक है और एक चीज यहां पे हमने काउंटिंग ऑफ ए ओफ आई ग्रेटर देन टू लिया है वो हम यहाँ पे भी ले सकते थे ताकि हमें यहाँ पे अलग से लूप ना लिखना पड़े अगर काउंटिंग ऑफ आई वन है तो पैर उसी के साथ करो अगर टू है तो क्यों के टॉप के साथ पैर करो एल्स एफ काउंटिंग ऑफ आई इज ग्रेटर देन टू तो फ्लैग वेरिएबल को वन कर दो और ब्रेक कर दो और उसके बाद एल्स लगाने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि या तो वन होगी या तो टू होगी या ग्रेटर देन टू होगी या जीरो होगी तो जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी जीरो है उसको हम यहां पे ऑलरेडी पेयर कर रहे हैं क्योंकि क्यू में ऐसे ही एलिमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जीरो है ठीक है ना ये क्यू वन है तो जब हम किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी टू है उसको हम क्यू के टॉप एलिमेंट के साथ पेयर कर रहे हैं और फिर क्यू के टॉप एलिमेंट की पेयर को आई कर रहे हैं मतलब कि जिनकी फ्रीक्वेंसी जीरो है वो यहाँ पे पेयर हो जा रहे हैं तो उनकी टेंशन हमें नहीं लेनी तो और एक एल्स स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है तो हमें क्या पता चल गया हमें पैर पता चल गया ठीक है ना और अगर कहीं इनवैलिड होगा तो फ्लैग वेरिएबल वन हो जाएगा हम ब्रेक कर देंगे और नो no रिटर्न कर देंगे अब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो सबसे पहले यस yes प्रिंट करेंगे उसके बाद पॉम्यूटेशन पी और क्यू जनरेट करने पड़ेंगे वो कैसे करेंगे मैं एक एरे लेता हूं v1 वन ऑफ एन प्लस वन बुलियन होगा ये ये बताएगा कि ये पहले एलिमेंट विजिट हो चुका है कि नहीं इसको मैं इनिशियली सभी एलिमेंट्स को फॉल्स कर दूंगा ये किसके काम आएगा अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि दो बार आ रहा है तो वो कैसे पता चलेगा सीओ टू से पहले तो ओफ आई इक्वल टू ए ओफ आई हो जाएगा एंड क्यू ओफ आई इक्वल टू पैर ऑफ ए ओफ आई हो जाएगा ठीक है ना मतलब कि अगर मान लो कहीं ए ऑफ आई है सेवन तो मैं पी ओफ आई को सेवन कर दूंगा और क्यू ऑफ आई को पेयर ऑफ सेवन कर दूंगा ठीक है ना अब अगर सेवन की फ्रीक्वेंसी वन होगी तब तो दोनों में सेवन आ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी सेवन नहीं होगी सॉरी फ्रीक्वेंसी वन होगी तो दोनों में सेवन आ जाएगा अगर की फ्रीक्वेंसी टू होगी तो मान लो यहाँ पे आता है है ठीक ना अब जब दूसरी बार एवन आएगा तब पीओाई सेवन और क्यू ओफाई थ्री नहीं लेना है तब पी ओ फाई थ्री लेना है और क्यू ओ फाइ सेवन लेना है तो इसीलिए मैं क्या करूंगा जिस भी एलिमेंट को विजिट करूंगा उसको ट्रू मार्क करता जाऊंगा तो अगर कोई पहले विजिट हो चुका है जैसे कि यहां पे सेवन विजिट हो चुका है फिर ए ऑफ़ आई में अगेन सेवन आता है तो ऑफ़ आई को पेर ऑफ ऑफ़ आई के बराबर करना है और क्यू ऑफ़ आई को ऑफ़ आई के बराबर करना है ठीक है ना सेवन थ्री थ्री सेवन वरना दो बार सेवन सेवन हो जाएगा नाउ फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ वी वन ऑफ एफ आई क्वल टू इक्वल्स टू फॉल्स मतलब कि यह एलिमेंट पहली बार आ रहा है देन पी ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई क्यू ऑफ आई इक्वल्स टू पैर ऑफ ए ऑफ आई एंड वी वन ऑफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू ट्रू मतलब कि अब ये आ गया एल्स अगर ये पहले आ चुका है तो पी ऑफ आई इक्वल्स टू पैर ऑफ ए ऑफ आई एंड Q ऑफ I इक्वल्स टू A ऑफ I ठीक है ना और अब थर्ड टाइम तो आएगा नहीं क्योंकि किसी की फ्रीक्वेंसी दो से ज़्यादा है तो उसको हम इनिशियली ही माइनस नो रिटर्न कर देते हैं तो ये हमारा और फिर इसके बाद पॉम्पिटिशन P को एक लाइन में प्रिंट करेंगे और Q को एक लाइन में प्रिंट करेंगे ठीक है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बी गो ऑफ एन क्योंकि तीन चार एन साइज के फोर लूप लग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा और एक चीज़ वैसे क्यू को हम यूज़ कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि n लॉग n हो जाएगी क्योंकि ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है उनको हमें कहीं ना कहीं शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए होगा ठीक है ना और एन की वैल्यू ट्वेंटी की पावर फाइव तक तो जा रही है तो गिवन टाइम में हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया थैंक यू